डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप्स में हमने जेड पी रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लिया था, मतलब प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना हमको रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट कर लिया था। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम जेड पी रिक्वायर्ड निकाल लेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको लगभग 20 से 30% इसको इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टील टेबल या फिर आई एस कोड के पीछे एनेक्सर्स में, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक टेबल मिल जाएगा जहाँ से आप सेक्शन मॉडुलस को मैच करके या फिर ऐसे सेक्शन मॉडुलस सेलेक्ट करना जिस जो आपका रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो, ठीक है। वहाँ से हम क्या सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ISLB, ISMB, ISWB या फिर ISHB या फिर ISMB, ठीक है, ऐसा हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 5, हम लोग जो सेक्शन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन चेक करना पड़ेगा, क्या वो प्लास्टिक है, क्या वो सेमी कॉम्पैक्ट है, क्या वो कॉम्पैक्ट है, क्या वो सिलेंडर है। जैसे ही चेक कर लेंगे, वो कहाँ से मिलेगा हमको, IS 800 में टेबल नंबर 2 पेज 18 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हर चीज़, ये जितने सारे डील अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लॉज, ये हम डील करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ठीक है। तो स्टेप 6 है आपका चेक फॉर वेब बकलिंग, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, पेज 53 क्लॉज 8.2.1.1 में, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना शेयर कैपेसिटी ऑफ ए सेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना दो टाइप का केस आता है, एक तो हाई सीयर का आता है, दूसरा लो सीयर का आता है। जैसे ही आप VD निकाल लोगे, जो कि आपका Vmax से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, आप डिज़ाइन सीयर स्ट्रेंथ है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सीयर मैक्सिमम सीयर फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो जैसे VD निकालोगे, वहाँ पर आप क्या चेक करोगे, हाई है कि लो सीयर है। तो अगर पहला केस 1 देखता हूँ मैं, अगर मैं 0.6 VD, मतलब कि अगर 60% ऑफ डिज़ाइन सीयर स्ट्रेंथ, अगर वो अगर जो मैं 60% लेता हूँ किसका, डिज़ाइन सीयर स्ट्रेंथ का, अगर वो आपका मैक्सिमम सीयर फोर्स से ज़्यादा है, क्या आपका डिज़ाइन सीयर स्ट्रेंथ 60% वाला ना, तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पे हमने को डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ बाय द हेल्प ऑफ क्लॉज 8.2.12 पेज 53, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका क्या डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर फिर अपन क्या चेक कर लेंगे, क्या ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा है कि कम है। अगर मान लो आपका डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो डिज़ाइन है वो, मतलब कि आपका जो बेंडिंग स्ट्रेंथ में आपका ये सेफ है, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करना है आपको, वेब बियरिंग, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, वेब क्रिपलिंग। तो उसको वेब क्रिपलिंग के लिए आपको डायरेक्टली आपको पेज 67 8.7.4 में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आपका आपका वेब क्रिपलिंग या फिर वेब बियरिंग, ठीक है, जो कि हमेशा किससे ज़्यादा होना चाहिए, सीयर फोर्स से, मैक्सिमम सीयर फोर्स से, ठीक है। तो आपको फिर क्या चेक करना है, आपको चेक फॉर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आपको टेबल 6 पेज 31 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको निकालना है, एक तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन निकालना है जो कि निकल जाएगा SPAN 1/300, और दूसरा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले जो कहाँ से हमको मिले, स्ट्रक्चर एनालिसिस से, इसको हमको यूज़ करके हमको चेक करना है कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन हमेशा किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से। ऐसा है तो ये सेफ है। अब देखो बात करता हूँ मैं केस 2 की। अभी हमने यहाँ पे केस 1 में क्या पढ़ा कि अगर हाई सीयर और लो सीयर हमको चेक करना था, अभी हमने क्या से चेक किया, लो सीयर चेक किया। अब मेरे को क्या करना है, हाई सीयर चेक करना है, अगर मतलब कि 0.6 VD अगर आपका ग्रेड लेस देन है किससे, मैक्सिमम सीयर फोर्स से, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेज 69 क्लॉज 9.2.2 के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, यहाँ पे डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको ना पेज 69 में जाना है, क्लॉज 9.2.2 यूज़ करना है अगर आपका सेक्शन प्लास्टिक आता है या फिर कॉम्पैक्ट सेक्शन आता है। तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, कौन सा, ये वाला, ठीक है। अगर मान लो आपका सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन आता है, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, वहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डील करेंगे, वहाँ दो टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डील करेंगे, पहला तो एक तो डिज़ाइन प्रॉब्लम, दूसरा जब कभी आपको आई सेक्शन अलग से दे दिया जाए तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। तो थैंक यू।